अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर कोर्ट परिसर में पिछले 20 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। आज सभी महिला वकीलों ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। यह धरना मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर, लाइब्रेरी, बार रूम और पक्षकारों को बैठने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में दिया जा रहा है। बार अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से वकील अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस ओर राज्य सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। वकीलों को बैठे हुए धरने पर 20 दिन हो चुके हैं। सर, हमारी मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पर हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। हम 24 तारीख से लेके और आज तक की डेट तक हम अभी धरने पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकाल तक, और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि वो जो हम मांग रहे हैं हमारी सारी मांगें जायज़ हैं, नाजायज़ हम कोई मांग नहीं है, कि हमें चैम्बर दिलाया जाए मिनी सचिवालय में, बाहर रूम हो जिससे हम महिलाएं और जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं जो परेशान ना हो। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है, आने वाले चुनाव में आपको क्या अभिनंदन देगी? चुनाव भी आने वाले हैं जी, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम सब साथी वकील इसी तरह से धरना स्थल पर अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो धरना स्थल पे हम अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सर, हमारी मांगे हैं, हम 19 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जो ये कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है उसके लिए कि हमारे लिए वकीलों के लिए चैम्बर, लाइब्रेरी और वॉशरूम वगैरह की सुविधा दी जाए और अलवर को संभाग बनाने की हम डिमांड पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन है, भूख हड़ताल भी होगी अनिश्चितकाल के धरने पे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहेंगे, और जरूरत पड़ी जैसे हमारे अध्यक्ष सर का आज्ञा होगी उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे कार्य करेंगे। सोनिया, कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, क्या मुख्य मांग है? देखिए, आज 19वां दिन है, हम 24 अगस्त से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। पहले हमने जो है कलेक्टर से जाके मिले, स्थानीय नेताओं से मिले, लेकिन हमारी समस्या पर किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया और बहुत ही उपेक्षा की। हमारी मांग ये है कि यहाँ से मिनी सचिवालय जो है शिफ्ट हो चुका है इस परिसर से, और साल डेढ़ साल में न्यायालय भी यहाँ से मिनी सचिवालय के पास वाली बिल्डिंग में जो है शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, लिटिगेंट्स के बैठने के लिए कोई शेड नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे को जमीन का जो है उसको चिन्हित नहीं किया गया आज तक भी। हम इस जायज मांग को लेके पिछले 19 दिन से धरने पर हैं, लेकिन हमारे साथ नाजायज व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल संवेदनहीन होकर इतनी उपेक्षा की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि हम न्यायपालिका का हिस्सा होते हुए भी हमारे को बिल्कुल जो है दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति यह है कि राज्य सरकार हमारी मांगों पर यदि तुरंत शीघ्र कोई निस्तारण नहीं करती हमारी समस्याओं का, तो हमारी बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगी वो हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल हाउस जो तय करेगा उस अनुसार चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा गुप्ता। हमारी जो मांग थी उनमें से एक मांग के संदर्भ में जिला कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के देखते, हमारी डिमांड ये है कि हम उस प्रस्ताव जब तक वापिस आकर जमीन चिन्हित नहीं हो जाती, अलॉटमेंट नहीं हो जाता, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। आज हमारी महिला शक्ति यहाँ 24 घंटे की भूख हड़ताल में बैठी है। मैं, विक्रम सिंह शेखावत और हमारे उपाध्यक्ष नवल जी कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगों जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाते चैम्बर, बार रूम, लाइब्रेरी के, हम किसी भी कीमत पर हमारे मांग के पीछे नहीं है। हमारे सेक्रेटरी की तबीयत बिगड़ी थी, वो दो दिन भर्ती रहा, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह जी वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वकीलों के हौसले पस्त नहीं होंगे, जितने लोग हटेंगे, जो बीमार होगा हॉस्पिटल जाएगा, तो दुगने लोग बैठेंगे और उसी जोश के साथ बैठेंगे, उसी उत्साह के साथ बैठेंगे। और मैं इस आपके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, तुरंत रूप से हमारी मांगे पूरी करें। नहीं, अलवर शहर में 2500 वकील रहते हैं, कुछ हो सकता है पार्टी से जुड़े हो,
लेकिन अधिकांश जो युवा शक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हुई है। जिसने हमारी मांगों का विरोध किया या हमारी मांग का समर्थन नहीं किया उसका हम परमानेंट इलाज कर देंगे। यहाँ जुली जी का फोन आया, भवर साहब का भी आया, संजय शर्मा जी बैठ के गए थे, विधायक है, और भी कई लोग आए जो समर्थन दे रहे हैं, उनका धन्यवाद सबका जिन्होंने हमारा साथ दिया।